हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वरहमतुल्लाह वरकातुह। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे आप? बस जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई, जब से अहले हदीस बने तब से खैरियत से। आप सुनाए। जी दुआ आपका। फोन किया था आपने फरमाइए। 4:30 बजे। जी उससे पहले आपने फोन किया था तो मैंने देखा, तो मैंने आपको पलट के फोन किया तो आपने उठाया नहीं, तो मैंने तो बार बार फोन नहीं किया। मैंने कहा हो सकता है कहीं बिजी हो काम में। जी। मैंने सोचा कि आप बिजी होंगे कहीं काम पे, इसलिए मैंने बार बार फोन नहीं किया, एक ही बार फोन किया। जी, जी फरमाए भाई, कोई खास काम था जो आप फोन कर रहे थे? नहीं, खास काम नहीं था कोई। अच्छा, तो हनफियत से आपने तौबा की कि नहीं की? क्यों करूं तौबा, हनफियत क्या है यार? अल्लाह के नबी कुरान हदीस छोड़ के गए हैं, हनफियत थोड़ी ना छोड़ के गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी कुरान हदीस छोड़ के गए हैं ना, हनफियत थोड़ी ना छोड़ के गए हैं। वो तो फिर हनफी है ही नहीं जो कुरान और हदीस नहीं ले लेगा। मतलब वो हनफी नहीं है जो कुरान हदीस को ना ले? मैंने बोला वो तो है ही नहीं फिर हनफी, अगर उस कुरान और हदीस ना लिया तो इसका मतलब दुनिया में कोई हनफी नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि कोई भी हनफी, कोई भी हनफी मुकल्लिद के लिए कुरान हदीस हुज्जत ही नहीं है, उसके लिए तो इमाम का कौल हुज्जत है। यानी कि तमाम हनफियत जो है वो है ही नहीं इस दीन इस्लाम में। आपने तो दीन से ही बाहर कर दिया। मेरी बात तो सुनो। जी सुनाइए। जैसे आप हो रहे ना, मतलब हनफी के लिए कुरान और हुज्जत, मतलब कुरान और हदीस हुज्जत नहीं है। नहीं भाई, हम नहीं बोल रहे हैं, आपके मौलाना महमूदुल हसन हनफी देवबंदी लिखते हैं कि हम तो मुकल्लिद हैं, हमारे लिए कुरान हदीस के हवालों से कोई लेना देना नहीं है, हमारे लिए इमाम का, फुका का, राय और कयास हुज्जत है। मैं क्या आप उसके मुकल्लिद हो? नहीं, आप उसके मुकल्लिद है ना, तो आप मेरे भाई क्यों नहीं उसकी बात मान रहे हैं? मुकल्लिद कहाँ है, हम तो इमाम अजम अबू हनीफा के मुकल्लिद हैं। यानी कि आप देवबंदी नहीं हो? देवबंदी होना जरूरी है, ये तो मतलब एक तहरीक का नाम है देवबंदी। हाँ, तो इसको आपने अहले सुन्नत कैसे बना लिया? अगर ये शहर का नाम है तो ये अहले सुन्नत वाल जमात कैसे हो गई? ये तारीख का नाम है, तारीख। जो तारीख का नाम है, अभी तक तो हम सुन रहे थे भाई जो हक जमात है उसका नाम है, अब ये तारीख का नाम हो गया? मतलब एक झूठ को बचाने के लिए 100 झूठ बोलना जरूरी है? मेरी बात सुनो, मेरी बात। हाँ बताइए। जमात इस्लामी है ना? जमात इस्लामी। हाँ, वो सब फिरके हैं। क्या है? फिरके। किसने बोला फिरके? वो तो तारीख है। अरे मेरे भाई, आपको फिरके और जमात में फर्क नहीं पता? जमात एक है, अहले सुन्नत वल जमात, अहले हदीस असल जमात है, और असल असल जमात से जो हट जाए, जिसका अकीदा अलग हो जाए, वो तमाम फिरके बन जाते हैं। अपने आप को फिर अहले सुन्नत क्यों नहीं बोलते हो, अहले हदीस क्यों बोलते हो? तो बोलते तो है ना, अहले सुन्नत अहले हदीस दोनों एक ही है ना, हम चाहे अहले सुन्नत बोले चाहे अहले हदीस बोले, सुन्नत और हदीस एक ही होता है। लीजिए, यही नहीं आपको मालूम? माशाल्लाह भाई, हदीस और सुन्नत तो एक ही है ना दोनों। कैसे एक है? अरे भाई, अब बैठ के पानी पीना ये भाई हदीस में आया है, तभी तो हमको पता चला सुन्नत है, तो हदीस और सुन्नत तो एक ही हुई, और दोनों की तारीफ भी एक ही है। अल्लाह के नबी का कौल, फेल, अमल और तकरीर, यानी कि भाई किसी चीज को देख के खामोशी प्यार करना, इसी को सुन्नत कहते हैं, इसी को हदीस कहते हैं। विस्तार रखते थे, मिसाल रखते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या रखते थे? सौमी मिसाल। ये क्या होता है भाई? है? ये क्या होता है? आपको नहीं पता है? नहीं, पहली बार सुना है ना। 3 दिन 3 दिन रोजा रखते थे, ना खाते थे कुछ ना पीते थे कुछ। 3 दिन 3 दिन क्या रखते थे रोजा? जी 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 जी। हाँ, तो अल्लाह के नबी तो भाई वो कसरत से रोजे रखते थे, तो उससे क्या दिक्कत है? तो वो भी तो सुन्नत है ना अल्लाह के नबी की। अच्छा, ये अल्लाह के नबी भाई वो पीर का रोजा रखते थे, तो ये अल्लाह के नबी की हदीस भी है, सुन्नत भी है, तो हदीस तो भाई
हदीस सुन्नत देखी है ना, 1447 साल में कौन से मुहद्दिसीन ने कहा कि हदीस अलग होती है, सुन्नत अलग होती है, अहले सुन्नत अलग होते हैं, अहले हदीस अलग होते हैं? आप इस पे अमल करते हो, इस हदीस पे आप इस पे अमल करते हो? अमल दूसरा सवाल है, बात ये है कि वो सुन्नत है कि नहीं, अल्लाह के नबी रोजे रखते थे, वो हदीस में आया है, तभी तो सुन्नत है। सुन्नत की तारीफ क्या है? सुन्नत और भाई सुन्नत और हदीस वो लाजिम और मजलूम है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। लाजिम मजलूम अच्छा, ये सब अरबी के टर्म है जो हनफी मुकल्लिदों के समझ में नहीं आते हैं। इसको ये है कि सहाबी आपने खुतना करवाते हो। अच्छा एक ही बताइए, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह क्या थे, अहले सुन्नत थे या अहले हदीस थे? अहले सुन्नत थे। तो उन्होंने ये क्यों कहा कि सही सही हदीस मेरा मजहब है? उनको कहना चाहिए था कि भाई सुन्नत मेरा मजहब। देखो भैया मेरी बात, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह जानते थे कि हदीस और सुन्नत एक ही है, तभी आपने कहा कि सही हदीस मेरा भाई वो तरीका है, मजहब है। मेरी बात सुनो आप। और सबसे बड़ी चीज ये है, मुहद्दिसीन जो मेरे भाई जो हदीस की भाई किताब जो लिखी है उसका नाम भाई आप अगर देख लें, सुनन अबू दाऊद, सुनन इब्ने माजा, सुनन तिर्मिजी, उसमें उस किताब में हदीसें हैं, लेकिन नाम उसका क्या दे रहे हैं? सुनन, अल्लाह के नबी की सुन्नतें, अल्लाह के नबी का तरीका। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुहद्दिसीन के नजदीक भी हदीस और सुन्नत एक है। अलग अलग किसने बोला? मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब सहाबिया खुतना करवाते थे अपने आप को, तो आपकी औरतें खुतना करते हैं, वो हदीस है ना? खतना? हाँ हाँ, औरतों का जो खतना है वो भी जायज है इस्लाम में, लेकिन ये सुन्नत नहीं है, वो हदीस है ना? अरे सुन्नत क्या होती है? अल्लाह के नबी का कॉल, फेल, अमल, तकरीर। देखो देखो सुन्नत क्या होता है, सुन्नत वो होता है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। हाँ तो अल्लाह के नबी का माजदा औरत है आपके नजदीक? कैसी बेकार बात आप करते हो यार, आप तो मेरी बात। जिस हदीस से अमल साबित होगा वो सुन्नत भाई होगा ना। अब अल्लाह के नबी ने चांद के दो टुकड़े किए, अब आप कहो कि आप भी भाई सुन्नत पे अमल करो, वो अल्लाह के नबी की खास सुन्नत थी ना। वो मेरी बात तो समझ सुन नहीं रहा, मैंने बोला सुन्नत हमारे सामने वो है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया और बाद में उससे सहाबा ने अमल किया। अच्छा मतलब बाद में सहाबा ने अमल किया वही सुन्नत है, और जो अल्लाह के नबी ने खास जिस पर किया वो सुन्नत नहीं है? तो अभी आपने बोला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के दो टुकड़े किए, तो वो भी अल्लाह के नबी की सुन्नत है ना खास? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए तो कोई जा सकता है? वो तो मौजूदा है ना, अब मौजूदे को आप सुन्नत कैसे कह सकते हैं? मैंने बोला सौमी विशाल मौजूदा है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि अगर आप कहें कि अल्लाह के नबी ने चांद के दो टुकड़े किए तो तुम भी करके दिखाओ, तो हम इस सुन्नत पर अमल नहीं कर सकते, क्योंकि ये खास एक मौजूदा था, एक सुन्नत थी अल्लाह के नबी की, अल्लाह के नबी ने वो चांद के दो टुकड़े किए थे। इसी तरीके से अल्लाह के नबी मिराज पे गए, वो एक अल्लाह के नबी का खास मौजूदा था, वो आम लोगों के लिए नहीं है। जिस हदीस से अमल साबित होगा वो सुन्नत होगी ना, अब जिस हदीस से वाकयात साबित होगा वो सुन्नत थोड़ी ना होगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ हदीस और सुन्नत के बारे में। जिस सही हदीस से अमल साबित होगा वो सुन्नत होता है, और अगर कोई जाहिल मुकल्लिद ये कहे कि हदीस अलग होती है सुन्नत अलग होती है तो उसकी अकल में कमी है, क्योंकि बिना हदीस के वो सुन्नत को पा ही नहीं सकता है। अभी मैं आपसे कहूँ कि भाई अल्लाह के नबी बैठ के पानी पीते थे, अल्लाह के नबी खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते थे, ये सुन्नत है ना, तो ये आपको कहाँ से मिली भाई? आसमान से तो आपको मेरे भाई किसी फरिश्ते ने आके बताया नहीं, ये सब भाई आपको हदीस से तो मिला ना। तो हदीस और सुन्नत एक दूसरे पे डिपेंड है, दोनों एक ही है, तो हम अपने आप को चाहे अहले सुन्नत कहें चाहे अहले हदीस कहें, दोनों एक ही है। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहीमुल्लाह अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन सफा नंबर 740 पे साफ साफ कहते हैं, अहले सुन्नत वल जमात का एक ही नाम है अहले हदीस। अब आप आपने
वो मतलब काला अल्लाह काला रसूल छोड़ दिया और अब्दुल कादिर जिलानी पे ये किताब पे आ गए भाई। भाई अल्लाह के नबी के लिए हुज्जत नहीं है। क्यों नहीं हुज्जत है? जो जो सलफ सौलीन अल्लाह और अल्लाह के नबी की बात बताएगा हम उसको मानते हैं। और अल्लाह ताला खुद कुरान में कहता है कि जिस चीज का तुमको इल्म ना हो वो अहले जिक्र से पूछ लो। तो किसी अहले इल्म से पूछना ये तकलीद नहीं है। क्या है फिर भाई? पूछना इल्म है। अगर आप किसी से कोई सवाल पूछ रहे हैं तो उससे इल्म हासिल कर रहे हैं, वो तालीम है, वो तकलीद नहीं है। किसने बोला तालीम है? किसने बोला तालीम नहीं है? तो किसने बोला? अभी अभी मैं आपसे पूछूं भाई, दो और दो कितना होता है? तो आप कहोगे चार होता है। तो ये मेरे को भाई इल्म हासिल हुआ ना, या मैंने आपकी तकलीद कर ली? मतलब आपके मजहब में हर चीज मेरे भाई तकलीद है क्या? औरत ने बच्चा पैदा कर दिया तो तकलीद है, मुर्गी ने अंडा दे दिया तो तकलीद है, बकरी ने बच्चा दे दिया तो तकलीद है। मतलब हर चीज आपके में तकलीद है। तकलीद है क्या? कोई खिलौना है, झुंझुना है क्या तकलीद? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हाँ सुनो। जैसे आपने अभी बोला कि तकलीद, हम पहले मतलब अगर कुरान और सही हदीस का कौल किसी मतलब मुहद्दिस के खिलाफ तकरीर, क्योंकि मुहद्दिस को मासूमन अजल खता नहीं है भाई। तो फिरोज देवबंदी साहब, सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि भाई जो तकलीद है वो आपके नजदीक क्या है? अकीदा है या अमल है? आम इंसान पे वाजिब है वो। अच्छा, तकलीद वाजिब है आम इंसान पे। तो ये वाजिब अल्लाह ने किया या अल्लाह के नबी ने किया या इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने किया? किसने वाजिब किया? तो वहाँ तो तकलीद है ही नहीं ना, वहाँ तो इल्म हासिल करने की तालीम दी जा रही है ना। क्या इल्म हासिल? तो इल्म हासिल ही करने का मकसद ही है कि तकलीद? अरे तकलीद आपके आलिमों ने कहा है, तकलीद एक कम इल्मी की अलामत है, जहालत है। इल्म उसमें कहाँ सही हासिल होता है? आपको पूरा इल्म है। तकलीद की तारीफ आपकी हनफी जो उसूल की किताब है मुसल्लम मस्तबूत, उसमें लिखा हुआ है कि तकलीद उस अमल का नाम है कि किसी भी गैरे नबी की बात को बिना दलील के मान लेना, ये सोच के कि उसके पास कोई ना कोई तो दलील होगी, उस अमल का नाम तकलीद है। तो बिना दलील की बात मानेंगे तो आप जाहिल हो जाएंगे ना। और अल्लाह ताला ने ये कब कहा कि जिस चीज का तुमको इल्म ना हो बिना दलील आप मत कर तो तुम किसी से पूछ लो? नहीं, अल्लाह ताला कह रहा है जिस चीज का तुमको इल्म ना हो अहले जिक्र से पूछ लो। तो जब हम उनसे पूछेंगे तो वो हमको दलील दे के बताएंगे, तब उनकी मानेंगे। ऐसे हवा में थोड़ी ना मान लेंगे। कल को कोई आलिम कह देगा नमाज 25 टाइम की फर्ज है तो क्या हम 25 टाइम की नमाज फर्ज मान लेंगे? मेरी बात सुनो, आप वहाँ पे हट गए। मैंने बोला आपकी औरत की खतना करवा दिया आपने। औरत की खतना करने की हदीस के ताल्लुक से आपको मालूम है, पढ़ा है आपने, क्या उसका बैकग्राउंड है? क्या है बैकग्राउंड उसका? नहीं, आपको खाली आलिमों ने खाली दो चार एग्जांपल दे दिए, आपको रटा दिए। आपको ना बैकग्राउंड मालूम है ना कॉन्टेक्स्ट पता है, बस औरत का खतना, औरत का खतना चालू हो गया। मेरी बात सुनो, मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मैं एक जनरल रीडर स्टूडेंट हूँ, ठीक है? तो अगर आपको दीन समझना है तो ये कहिए ना, बहस ना कीजिए, कहिए अफू भाई औरतों के खतने का मसला क्या है मेरे को समझा दीजिए, तो मैं आपको समझा देता हूँ, बात ही खत्म हो जाती है। आप मैंने आपके साथ उस दिन बात की, आपने वो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डाल दी, कितना जाहिल हो आप। मतलब एक मतलब अरे वाह मेरे भाई, आपके भाई वो नुमान नौशेरी मेरी ऑडियो ऐसे शेयर कर रहे हैं, इंडिया का गैर मुकल्लिद, इंडिया का गैर मुकल्लिद। तो मैंने उनकी और उनके चेलों की ऑडियो अगर शेयर कर दी तो हम जाहिल हो गए। मतलब आप लोग ऑडियो शेयर करो तो आप लोग इल्म वाले हो, और मैंने ऑडियो शेयर कर दी तो मैं जाहिल हूँ। जो आलिम होता उसका ऑडियो शेयर करते ना, मैं तो एक मतलब ऐसे ही पूछता था आपको, मैं आलिम थोड़ी हूँ। अच्छा, आप तो उस दिन बड़े डींगे मार रहे थे कि मुझसे बात करो मुझसे बात करो, तो ग्रुप में कह रहे थे मेरा फोन उठाओ मेरा फोन उठाओ। जब मैंने आपसे बात करके आपकी जो हकीकत थी वो आवाम में मैंने शेयर कर दी तो आपको बड़ा मेरे भाई बुरा लग रहा है। को आँख बंद करके मान लेना वो तकलीद है, ठीक है? ठीक है, जैसे हम हदीस को मतलब कंफाइन करते हैं, हदीस इज मतलब सही और ज़ईफ। किसने मतलब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही और ज़ईफ का मतलब वहाँ से करके दिया था कि बाद में मुहद्दिस ने किया?
ये जो हदीसों के उसूल हैं ये कुरान हदीस से ही भाई ये साबित हैं, और मुहद्दिसीन ने कोई अपनी अकल से किसी किसी हदीस को सही ज़ईफ़ और मौज़ू और गरीब और मुतवातिर और गैर मारिज और ये सब नहीं साबित कर दिया। मतलब पूरे नबी नबी के बिना कोई मतलब मासूम नहीं है, क्या ये मासूम हो सकते हैं? तो इसमें मासूम और गैर मासूम की बात कहाँ से आ गई? अगर कोई हदीस सही कह रहा है तो उसकी दलील दे रहा है, अगर कोई हदीस ज़ईफ़ कह रहा है तो उसकी दलील दे रहा है, तो हर काम तो दलील की बुनियाद पे हो रहा है ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया ना सही मतलब हदीस का फैसला? हाँ किया ना अल्लाह के नबी ने, आपको नहीं मालूम? कहाँ किया? अरे मेरे भाई अकल से आप हमको लग रहा है भाई पैदल हैं बिल्कुल, मुझे आप लग रहे हो पैदल। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने जानते बूझते मेरी तरफ झूठ मंसूब किया उसका ठिकाना जहन्नम है, तो अल्लाह के नबी भी जानते थे कि ऐसे ऐसे कज़्ज़ाब लोग आएंगे जो मेरे नाम से उम्मत में झूठ भाई वो बोल देंगे। तो मुहद्दिसीन ने कुरान हदीस से उसूल आकस किए कि कौन सी बात एक्चुअल नबी की है उसको सही हदीस कह दिया, कौन सी बात अल्लाह के नबी तक नहीं पहुंचती है सही सनद से उसको ज़ईफ़ हदीस कह दिया, और कौन सी नबी के ऊपर झूठी बात मंसूब कर दी गई है उसको मौज़ू करार दे दिया। तो ये तो हदीस तो मेरे भाई जो हदीसों के उसूल है अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हदीस से साबित है। ठीक है ना। अल्लाह ताला खुद कुरान में कहता है कि जब कोई फासिक तुम तक कोई खबर लेके आए तो उसकी अच्छे से तहकीक कर लिया करो। तो मुहद्दिसीन ने तहकीक की कि जो ये हमसे हदीस बयान कर रहा है ये रावी कैसा है, ये सिका है या मतलब ये मतलब झूठा है, ये कहाँ पैदा हुआ, इसकी कुनियत क्या थी और ये कैसा था, इसका हाफिजा कैसा था, ये कहाँ पैदा हुआ, कब इंतकाल हुआ, तो रावियों का पूरा हाल जमा हुआ है और दलील से बताया गया है कि ये हदीस सही है ये ज़ईफ़ है और ये मौजू है, कोई हम आग बन करके थोड़ी ना मान लेते हैं। मैं बोल रहा हूँ गैर नबी की बात है ना मेरे भाई, आपके अशरफ अली थानवी साहब कहते हैं कि कुरान और हदीस की बात मानना तकलीफ नहीं है, किसी गैर नबी की बात को दलील के बगैर दलील। आप एक काम कीजिए सबसे पहले जूता उठा के अपने अशरफ अली थानवी को मारिए जाके, उन्होंने खुद कहा था कि किताब व सुन्नत की बात मानना तकलीफ नहीं है, और आप जबरदस्ती ये साबित करना चाह रहे हैं कि हदीस को मानना तकलीफ है। अरे हदीस को मानना तकलीफ है ये आज तक 1439 साल में कौन से मुहद्दिसीन ने आपको बताया? हाँ भाई कुरान हदीस को मानना तकलीफ हो गया, इत्तबा फिर क्या होता है? कुरान में है क्या? कुरान में जो आपने नुमान साहब को बोली ना वो मतलब आयत नंबर 56 सूरह निसा की, वो उन्होंने आपको उसमें क्या भाई सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59 ठीक, उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है ए ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो अल्लाह के रसूल की इताअत करो और जो तुम में हाकिम हो उलिल अम्र हो उनकी बात को मानो, अगर उनमें आपस में इख्तलाफ हो जाए तो वापस जाओ अल्लाह और अल्लाह के नबी की तरफ अगर तुम आखिरत के दिन पे ईमान रखते हो तो। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बता दिया कि जो ये उलिल अम्र हैं इनमें इख्तलाफ होगा, और इख्तलाफ होगा तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा? अल्लाह और अल्लाह के नबी की तरफ। तो इख्तलाफ तभी होगा ना जब हम चारों की दलील देखेंगे, जब आग बन करके हम सबकी सबकी तकलीद कर लेंगे भाई, हनफी लोग इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की भाई तकलीद कर लेंगे, शाफई लोग इमाम शाफई की तकलीद कर लेंगे, मलकी लोग इमाम मालिक रहमतुल्लाह की तकलीद कर लेंगे, हम्बली लोग इमाम अहमद बिन हम्बल की तकलीद कर लेंगे, तो इख्तलाफ कहाँ होगा? लेकिन जब चारों लोग अपने अपने इमाम की दलील देखेंगे तो चारों में इख्तलाफ होगा, और जब इख्तलाफ होगा तो उनको लास्ट में अल्लाह और अल्लाह के नबी की तरफ भाई उनको लौटना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप ये आयत नंबर 59 पढ़ना जो आप या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीर्रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। अब यहाँ पे लोग इतनी आयत पढ़ते हैं और कहते हैं कि उलिल अम्र से मुराद तफसीर इब्ने अब्बास में है कि जो फुका इकराम है वो हैं, तो फुका इकराम को हम मानते हैं कि हाँ भाई वो हैं उलिल अम्र ठीक,
लेकिन इसका माना ये नहीं है कि उनकी तकलीद करो, क्योंकि अल्लाह ताला खुद इस आयत से तकलीद का रद्द कर रहा है कि अगर आपस में इख्तलाफ हो जाए तो अल्लाह और अल्लाह के नबी की तरफ जाना ही जाना है। अगर आखिरत के दिन पे ईमान रखते हो तो हम लोग आखिरत के दिन पे ईमान रखते हैं, इसलिए जब भी इख्तलाफ होता है हम लोग अती अल्लाह अती रसूल की तरफ लौट जाते हैं। लेकिन आप लोग तो आग बन करके तकलीद कर लेते हो, लौट खुद को लौटने का मौका ही नहीं देते हो, और खुद सोच लेते हो कि हमारे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह मासूम थे, उनसे गलती हो ही नहीं सकती। तो खुद ही आप लोग का मजहब गंदा है तो उसमें मेरे भाई अहले हदीस को दोष क्यों देते हो? किसने बोला वो मासूम है? भाई आप लोग का दावा है कि हमारी फिका हनफी का हर एक मसला कुरान हदीस के बिल्कुल मुताबिक है, और कुरान हदीस का निचोड़ है, और फिका हनफी के सैकड़ों मसले ऐसे हैं जिनका कुरान हदीस से तो छोड़ो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह से भी कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी उसका दिफा करते हैं। और अल्लाह ताला सूरह तौबा की आयत नंबर 31 में 31 में साफ साफ फरमाता है कि उन लोगों ने अपने आलिमों को, दरवेशों को, उलमाओं को अपना रब बना लिया है। मेरी बात सुनो, ये जो आपने सूरह निसा की आयत पढ़ी है आप दोबारा रिपीट करना। अरे भाई एक आयत कितनी बार पढ़वाओगे मेरे भाई, आप क्या साबित करना चाह रहे हो बताओ? या अय्युहल्लज़ीना आमनु, यही बोला ना? हाँ, जो लोग ईमान लाए हो तो वादी रसूल उलिल अमर मिनकुम फइन तनाज़तुम फी शयइन फरद्दू इलल्लाहि व रसूलिही इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरु व अहसनु तावीला, यही बोली ना आपने? हाँ तो ये ईमान वालों हुक्म मानो अल्लाह का और हुक्म मानो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हुक्म नहीं, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के नबी की इताअत करो, और जो तुम में बड़े हो, हाकिम हो, उलिल अम्र हो, उनकी बात को मानो। मेरी बात तो सुना, अगर मैं गलत बोलूं फिर बोल रहा हूँ, फिर अगर झगड़ पड़ो किसी चीज में तो उसको रुजू करो, करो अल्लाह के और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। अगर यकीन रखते हो अल्लाह पर और कयामत के दिन पर, ये बात अच्छी है और बहुत बेहतर है, इसका अंजाम मतलब अच्छा होगा, ठीक है ना? बेशक। अब मैं इसमें आपको इजतिहाद और कयास का सबूत दूंगा, ठीक है? आपने बोला तो भाई इजतिहाद और कयास को तो हम मानते ही मानते हैं मेरे भाई। हाँ तो वही तो मैं आपको इसका मतलब आप इसकी तफसीर सुन लो पूरी। कौले ताला फरमाता है अल्लाह व रसूल, इस आयत में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि अगर तुम्हारे किसी अमर के बारे में इख्तलाफ हो जाए तो तुम अल्लाह रसूल की जानिब रुजू करो, ठीक है? हाँ सुन रहा हूँ भाई, अब आपकी आप आराम से तफसीर कीजिए, मैं आराम से सुनूंगा समझूंगा इंशाल्लाह, और सही होगा तो बिल्कुल मानूंगा, और अगर आपसे गलती होगी तो इंशाल्लाह आपकी अच्छी नीयत से आपकी इसलाह कर दूंगा इंशाल्लाह। सुन्नत की तरफ रुजू करने की दो सूरत है, ठीक है? एक ये है कि किताब और सुन्नत का ऐसा मनसूसा की जानिब रुजू किया जाए, मतलब जो कि ऑलरेडी सही हो मिल रहा है कुरान और हदीस से, मतलब वही मनसूसा की जानिब रुजू किया जाए। दूसरी सूरत यह है कि अगर ऐसा मनसूसा मौजूद न हो तो उनके नजायर पर कयास करके रुजू किया जाएगा। फर्दों के अल्फाज आम है जो दोनों सूरतों की आप ये कहा? भाई थोड़ी सी आपसे चूक हो रही है, अगर आप कहें तो मैं आपकी सलाह कर दूं। जी बोलो। देखिए आयत जो है ना, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के नबी की इताअत करो, और जो तुम में हाकिम हो, उलिल अम्र हो, उनकी बात को मानो। तो सबसे पहली चीज तो ये आप जान लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अल्लाह की हमको इताअत करना है एकदम खुली, क्योंकि अल्लाह की बात खुद एक दलील है। अल्लाह के नबी की इताअत करना है एकदम खुली, क्योंकि अल्लाह के नबी की बात वो खुद एक दलील है। लेकिन जो उलिल अम्र है वो अति उल्लाह और अति रसूल के पाबंद हैं, उसके ताबे हैं, यानी कि जो उलिल अम्र जो भी बात बताएगा वो अल्लाह और अल्लाह के नबी से बताना चाहिए। अब आप जो कह रहे हो कि जो मसाइले मनसूसा हैं, मसाइले भाई वो गैर मनसूसा हैं, यानी कि कुछ ऐसे मसाइल हैं जो कुरान हदीस में बिल्कुल साफ साफ आए हुए हैं जाहिर, और कुछ ऐसे मसाइल हैं जो कुरान हदीस में छुपे हुए हैं। जैसे पानी होता है, एक पानी होता है जाहिरी पानी जो हम अपनी आंखों से देख लेते हैं, और एक पानी होता है जमीन के अंदर छुपा हुआ जो हम देख नहीं सकते। तो जो आलिम होगा, मुहद्दिसीन होगा, मुज्तहिद होगा, वो मतलब भाई खोद के पानी को निकालेगा। उस तरीके से जो हमारे चारों
अइमा थे, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह दीन में बहुत मेहनत की, खिदमत की, और उन्होंने कुरान हदीस में जो मसले थे लेकिन जाहिरी तौर पे नहीं थे, उनको उसूल की रोशनी में उसको निकाल के आवाम को बताया, हम उसको मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उनके मसले को मानना तकलीद नहीं है, वो भी इत्तिबा है, क्योंकि जो भी आलिम कयास करेगा, इजतिहाद करेगा, वो दलील देगा। आप समझ रहे हैं? तो दलील के साथ ही कोई बात अगर लेगा तो दलील के साथ कोई बात मानना उसको इत्तिबा कहते हैं, और बिना दलील के किसी बात को मानना तकलीद कहते हैं। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है मेरे भाई, आप अपने दिल पे हाथ रख के जवाब दीजिए मेरे प्यारे भाई फिरोज भाई, दिल पे अपने हाथ रख के आप भाई एकदम अल्लाह को एकदम गवाह बना के जवाब दीजिए। आज तक ऐसा आपकी जिंदगी में कौन सा मसला पेश आ गया जिसमें आपको तकलीद करने की जरूरत पड़ गई? एक मसला खाली बता दीजिए। आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा मसला आ गया, मसाइले मतलब भाई वो गैर मंसूसा, जिसमें आपको तकलीद करने की सख्त मतलब जरूरत पड़ गई? ऐसा कौन सा मसला पेश आया आप तक? जैसे मैं जहाज में आया घर, मतलब जहाज में, तो अगर मैं मतलब किसी से पूछता कि मैं कैसे नमाज पढ़ूं जहाज में, ठीक है, मतलब क़िबले किस तरफ होगा, मैं क़िबले की जानिब रुख करूंगा तो कहाँ से करूंगा, तो मैं नमाज जहाज में कैसे पढ़ूंगा, तो इसके लिए जरूरी है ना? तो ये मसाइले ये गैर मंसूसा थोड़ी ना है, ये तो मसाइले मंसूसा है, और मसाइले मंसूसा में तो तकलीद होती नहीं है। मसाइले मंसूसा वो होता है जो एकदम कुरान हदीस में जाहिरी तौर पे हो, तो ये तो अल्लाह के नबी से साबित है, और कुरान की आयत है सूरह बकरा की आयत नंबर 115 की, जो मशरिक हैं और मगरिब हैं वो सब अल्लाह के हैं, तुम जिधर भी रुख करोगे अल्लाह का सामना पाओगे। और अल्लाह के नबी जब सवारी पे नमाज पढ़ते थे तो सवारी का रुख जहाँ होता था वही भाई नमाज के वक्त का भाई किबला होता था। तो जब आप जहाज में नमाज पढ़ लें, आप अपनी नियत बांध लीजिए, जहाज जहाँ जा रहा है जाने दीजिए, अल्लाह ताला तो मेरे भाई वो मशरिक में भी है मगरिब में भी है, आप जहाँ भी जाएंगे अल्लाह का सामना रहेगा, अल्लाह आपको देख रहा होगा। मतलब मैंने सुना, मेरी बात सुनो, मतलब अगर आप एजुकेटेड हो तो मेरे साथ अच्छे से बात करो। तो भाई मैंने कौन सी आपको गाली दे दी इतनी देर में? नहीं नहीं, देखो देखो कैसे बोल रहे हो आप, मतलब एक जो आज का मॉडर्नाइजेशन दौर है इसमें आप, मैं आपको बात बोल रहा हूँ, कुछ आप बोल के जा रहे हो, मेरी सुनते नहीं हो। अगर किसी को इस तरह की नियत होती ना, वो बोलने वाले को, मतलब अगर किसी को, अरे मेरे भाई हमें कोई ज्यादा बड़बड़ करने का शौक नहीं है, मेरा भी भाई एक मुंह है दर्द करने लगता है बोल बोल के, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कम अल्फाज में आपको ज्यादा इल्मी बातें बता दूँ, क्योंकि आपके आलमे दीन भी आपको इतनी इल्मी बात नहीं बताएंगे, वो आपको जिंदगी भर मंसूसा गैर मंसूसा इसमें उलझाए रहेंगे। आपके वहाँ तो अकीदे में भी तकलीद होती है, अकीदे में भी, अब बताइए, आपके वहाँ तो अकीदे में भी तकलीद होती है, नमाज में भी तकलीद होती है, मसले मसाइल में भी तकलीद होती है, मंसूसा में भी तकलीद होती है, गैर मंसूसा में भी तकलीद होती है, आपके वहाँ हर चीज में तकलीद होती है, लेकिन आवाम को धोखा दिया जाता है कि हम तकलीद खाली मसाइले गैर मंसूसा में करते हैं। गैर मंसूसा मसाइल भाई कौन सा होता है पता है? अब मानिए रोजे में इंजेक्शन लगने का मसला है, ये मसाइले भाई ये मतलब इसको बोलेंगे मसाइले भाई गैर मंसूसा। अब रोजे की हालत में इंजेक्शन लगवाने से रोजा टूटेगा कि नहीं, अब ये मसला है, लेकिन इसमें भी तकलीद करने की जरूरत भाई नहीं है। देखो, देखो, देखो। कोई भी आलिम आपको बता देगा कि भाई रोजे में इंजेक्शन लगने से रोजा नहीं टूटेगा, क्योंकि रोजा टूटने के जो उसूल आए हुए हैं वो है कुछ खाने पीने से रोजा टूटेगा। हाँ, ताकत का आप भाई इंजेक्शन ना लीजिए, भूख प्यास ना लगने का इंजेक्शन आप ना लीजिए, लेकिन अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जैसे डायबिटीज हो गई है, शुगर हो गई है, और बिना इंजेक्शन के आपकी जान को खतरा हो सकता है, तो आप रोजे की हालत में इंजेक्शन भाई को दे सकते हैं। इसमें तकलीद करने की जरूरत कौन सी आ गई, और इतनी बड़ी मजबूरी कैसे आ गई कि तकलीद वाजिब हो गई? आप खुद अपने दिल से सोचो, आप खुद पढ़े लिखे इंसान है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। जैसे आपने अभी बोला कि आप मंसूसा ये जो मसाइल है आप उसमें भी तकलीफ करते हो, जो मेरे आलिम है मैंने उनसे सुना है कि मतलब अगर कुरान और हदीस का कौल किसी के मतलब कौल के साथ टकरेगा
मतलब किसी मौजिद के साथ उसकी तरह देखना या उसको मान लेना हराम और नाजायज है, ठीक है, ठीक है, उसको मान लेना हराम और नाजायज है। अगर हम हनफी कहलाते ना अपने आप को, वो किस एतबार से, इश्तिहादी मसाइल के एतबार से? भाई आपकी हिदाया में उतरा हुआ है कि फिका का सीखना सिखाना कुरान के सीखने सिखाने से अफजल है, अब बताइए। और आप कह रहे हो कुरान से कोई चीज टकराएगी तो उसको हम लोग छोड़ देंगे। अच्छा, कितनी सारी बातें इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नाम से झूठी मंसूब है जो कुरान हदीस से बिल्कुल साफ साफ टकराती है। मैं आपको आपको एक एग्जांपल दे दूंगा, ठीक है, इंशाल्लाह आपको मतलब पूरा वाजह हो जाएगा। जी जी दीजिए भाई। जैसे मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, ठीक है ना? नहीं, रफादैन भी करते नहीं थे, वो हमेशा रफादैन करते थे, आखिरी जमाने तक किया। और किसी एक भी नमाज में रफादैन ना करने की दलील सही हदीस से साबित नहीं है। ये हनफियों का एक बहुत बड़ा झूठ है कि अल्लाह के नबी कभी रफादैन करते थे, कभी छोड़ते थे, पहले करते थे, बाद में मंसूख हो गया, ये झूठ है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है ना, जाबिर बिन समरा रदियल्लाहु अन्हु। हाँ सही, मुस्लिम हदीस नंबर 430, अल्लाह के नबी आते हैं और सहाबा से कहते हैं ये मैं तुम्हें क्या देखता हूँ, तुम नमाज में शरीर घोड़ों की दुमों की तरह इशारा करते हो, ऐसा मत करो, नमाज में सुकून इख्तियार करो, कुछ सुनो फिर सलाह, नमाज में सुकून इख्तियार करो। हाँ तुम ना करो ना रफादैन, है ना? हाँ रफादैन जब होता है नमाज में वो मतलब उन्होंने बोला भाई फिरोज भाई वाकई बता रहे हैं, अल्लाह ताला माफ करे, आपके ऊपर हम नहीं हंस रहे हैं, बस हम इस चीज पे हंस रहे हैं कि आदमी मतलब ना उसने कभी जिंदगी में सही मुस्लिम खोल के देखी, ना कभी खुद पढ़ी, बस उसने कहीं की भी सुनी सुनाई बात को मान के अल्लाह के नबी की सुन्नत को मंसूख करने की ठान ली। जो हदीस के बारे में आपको मालूम है भाई, जाबिर बिन सामरा, ठीक है, रजी अल्लाह ताला अनु वाली जो हदीस आप बयान कर रहे हैं उसमें मेरे भाई जो रफादैन है वो वो मतलब कौन सा रफादैन है आपको मालूम है? वो सहाबा लोग जब दाएं बाएं सलाम फेरते थे तो अपने हाथों को उठा के इशारा करते थे, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जो इस हदीस से रफादैन ना करने की दलील ले उसका इल्म में कोई हिस्सा नहीं, उसको इल्म की हवा भी नहीं लगी, क्योंकि इसी की आगे की हदीस हदीस नंबर 431 में साफ साफ आया हुआ है कि सहाबा लोग जब दाएं बाएं सलाम फेरते थे तो अपने हाथों से इशारा करते थे, तो वहाँ पे रफादैन जो आप मंसूख कर रहे हैं वाला रफादैन है ही नहीं। और ये कौन सा रफादैन है भाई? जब सहाबा दाएं और बाएं जानिब सलाम फेरते थे तो अपने हाथों से इशारा करते थे, जैसे हम लोग सलाम करते हैं ना अपने हाथ को उठा के, वैसे इशारा करते थे, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अच्छा भाई आप इंजीनियर है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये आप बताइए अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि शरीर घोड़ों की दुम की तरह इशारा मत करो, ठीक, तो घोड़ा दुम, तो घोड़ा दुम मतलब भाई कैसे हिलाता है? आपका मतलब है कि आप डाउन, राइट? नहीं नहीं, अल्लाह के नबी मिसाल बयान कर रहे हैं ना, मेरा नबी मिसाल बयान कर रहा है तो जरूर उसकी मिसाल में कोई ना कोई तो बात होगी, अल्लाह के नबी कोई फालतू बात तो माशाल्लाह बोलते नहीं थे, हर एक बात में वजन रहे, तो अल्लाह के नबी जब कह रहे हैं घोड़ों की दुमों की तरह इशारा मत करो तो घोड़ा दुम कैसे हिलाता है, ऊपर नीचे हिलाता है या दाएं बाएं हिलाता है? नमाज में सुकून इख्तियार करो। हाँ उसकुनु फिस सला, नमाज में सुकून इख्तियार करो। नमाज नमाज में मतलब हाँ अंदर है ना? हाँ नमाज के बाहर है, नमाज के अंदर है। हाँ जब करती है मतलब नमाज के अंदर कर रहे हैं। हाँ ये एतराज बहुत पुराना हो गया है कि नमाज के अंदर है या बाहर है, उस कुनूफी सलाह नमाज में सुकून इख्तियार करो, तो इंसान नमाज से बाहर कब होता है?
जब वो दाएं बाएं जानी सलाम फेर देता है वो उसके बाद नमाज में बाहर होता है ना, या बिना सलाम फेरे नमाज से बाहर हो जाता है? मेरी बात मतलब इंसान ये नमाज की बात रखे जाता है। अरे अल्लाह के बंदे, आप पहले आप एक काम करो, किसी भाई तबेले में जाओ, आप किसी तबेले में जाओ, अस्तबल में जाओ, और घोड़े के पीछे पहले भाई खड़े होके देखो कि घोड़ा तुमको कैसे हरकत देता है, अप एंड डाउन देता है या राइट और भाई वो लेफ्ट में देता है, ऊपर नीचे हरकत होती है या दाएं बाएं हरकत होती है, ये तो आप देखो। मेरी बात सुनो, मेरी आराम से बात करो ना, मतलब आपको भी समझ आए, मेरे को भी समझ आए, ठीक है? नहीं, आपके समझ में आ गया, लेकिन अब आप उसको मानोगे नहीं, क्योंकि आप इंजीनियर हो और आप खुद जानते होगे, अगर आप पढ़े लिखे होगे, कि जो घोड़ा होता है वो दुम कभी ऊपर नीचे नहीं भाई वो हिलाता है, वो दाएं बाएं हिलाता है। और जो यहाँ पे सलाम हो रहा था वो दाएं बाएं जब सहाबा सलाम फेर रहे थे, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, तो अल्लाह के नबी ने सहाबा को देखा। अरे हाँ ठीक है, अल्लाह के नबी ने देखा कि सहाबा जब दाएं बाएं जानी सलाम फेरते थे तो अपने हाथों को उठाकर इशारा करते थे, तो उसको अल्लाह के नबी ने कहा कि ये मैं तुम्हें क्या देखता हूँ, तुम घोड़ों की दुमों की तरह नमाज में इशारा करते हो, नमाज में सुकून इख्तियार करो। मेरी बात सुनो, आप हो गए ना, आपका मेरी बात सुनो। चलिए हमने मान लिया बहस के तौर पे, हमने आपकी बात मान ली दो मिनट के लिए, कि हाँ रफादैन मतलब वहाँ पे जो मुराद है वो दोनों हाथों को कानों तक या कांधों तक उठाने वाला रफादैन है, ठीक। तो अगर मंसूख हो गया था तो ये तकबीरें भाई ये जो तकबीर तहरीमा के ऊपर जो हनफी लोग करते हैं वो भी मंसूख हो जाना चाहिए, जो वितर की नमाज में करते हैं वो भी मंसूख हो जाना चाहिए, और जो ईद की नमाज में रफादैन करते हैं तो क्या माज अल्लाह के घोड़ों की दुमों से आप लोग इशारा करते हो? ये जब समझना होता है ना, इसको पूरी तरह से समझना होता है, ठीक है? वही मैं कह रहा हूँ, क्या मतलब अल्लाह के नबी ने ये कहा कि घोड़े की दुम की तरह हरकत तुम लोग वितर की नमाज में करो, पांच टाइम की फर्ज नमाजों में शुरुआत में कर लो और ईदैन की नमाज में कर लो, बाकी बीच की नमाजों में ना करो। अजीब दोगला उसूल है मेरे भाई, आप लोग का कुछ समझ ही नहीं आता है, आप लोग ना सीधे चलते हो ना टेढ़े चलते हो। अच्छा भाई बचपन में आपने पोलियो की भाई बचपन में आपने भाई पोलियो की दो बूंद पी थी कि नहीं? आपको मेरे से ज्यादा शांति होनी चाहिए, ठीक है? आपको इस तरह की नियत अगर होती आप अच्छे से सुन लेते। आपने बोला अरे फिरोज देवबंदी भाई बचपन में आपने भाई पोलियो की दो बूंद पी थी कि नहीं पी थी? ठीक है, चलो नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बचपन में आपने भाई पोलियो की दो बूंद पी थी कि नहीं पी थी? पी थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो पीने के बाद भी आप इतना भाई टेढ़ा टेढ़ा काहे के लिए चल रहे हो, आपको तो सीधा चलना चाहिए था। वो तो टांगों से टेढ़ा। आप सही मुस्लिम की भाई हदीस नंबर 430 को ले रहे हो, 431 को क्यों छोड़ रहे हो? ये मतलब आपका तो ईमान ऐसा हो गया, बाज आयतों पे ईमान लाते हैं बाज आयतों को छोड़ देते हैं, और बाज हदीसों पे ईमान लाते हैं बाज हदीसों को छोड़ देते हैं। बच्चा ऐसी चीजों को जो कुरान और हदीस को तर्क करे, ठीक है? तो वही तो मेरे भाई आपका अमल भी साबित कर रहे हैं ना, आप सही मुस्लिम शरीफ की वही रावी वही सनद की हदीस नंबर 430 को लेके रफादैन मंसूख कर रहे हो, और वही रावी वही सनद और वही 431 नंबर की हदीस को आप छोड़ दे रहे हो। आपने ये किया ना कंसीडर कि दोनों सेम रावी है। अब मेरे को आपसे ये क्वेश्चन है, अगर वही रावी है वही हाँ जाबिर बिन सामुरा रजी अल्लाह तआला अन्हु वो हदीस नंबर 431 के भी रावी हैं और हदीस नंबर 431 के भी रावी हैं। अरे यार आप तो सुनते नहीं, तो आने वाले को क्या जरूरत थी कि वो दोबारा रिपीट करते हैं हदीस? हाँ ये गुड क्वेश्चन है आपका, अब आपने मेरे भाई जाहिलों वाला सवाल किया है, अब आप सुन लीजिए, ठीक है? पहली जो हदीस का मतन है, भाई फिर वे जी सवाल करते हैं, अब जवाब नहीं देने देते तो मेरा मूड खराब हो जाता है, फिर सवाल ना क्या कीजिए, हम अहले हदीस है, हमारे पास हर सवाल का अल्हम्दुलिल्लाह जवाब है, तो आप सुनिए। आप लोग मुकल्लिद हो, आप लोग सवाल की दुकान हो, आप लोग सवाल करते जाओ, अहले हदीसों से जवाब लेते जाओ। आपने सवाल किया कि वो हदीस दोबारा रिपीट करने की क्या जरूरत थी, तो इसका जवाब सिर्फ एक है कि पहली हदीस में अल्लाह के नबी ने सहाबा को टोका
कि नमाज में घोड़ों की दुम की तरह हरकत मत करो, और उसी की अगली हदीस में ये बताया गया है कि वो जो सलाम के टाइम जो रफादैन कर रहे थे उसकी जगह क्या है। तो वहाँ पे जगह बताई गई है कि भाई तशव्वुद में बैठ के जब दुआए मासूरा पढ़ने के बाद जब सहाबा दाएं बाएं जानी सलाम फेरते थे तो अपने हाथों को उठा के घोड़ों की दुमों की तरह इशारा करते थे, उसको अल्लाह के नबी ने मना किया है कि उसको नो फिस सला, नमाज में सुकून इख्तियार करो और घोड़ों की दुमों की तरह हरकत मत करो। तो दोनों हदीस को जब आप समझेंगे तो पता चलेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह तकबीर तहरीमा वाला और रुकू से पहले वाला, रुकू से बाद वाला और दूसरी रकात के बाद जब तीसरी रकात के बाद खड़े होते हैं वाला रफादैन मनसूख नहीं है। अल्लाह के नबी ने अपने आखिरी जमाने तक रफादैन किया, आखिरी जमाने तक जो सहाबी अल्लाह के नबी के साथ रहे उन्होंने गवाहियां दी हैं, उन्होंने अल्लाह के नबी की नमाज का तरीका बताया है कि हमने अल्लाह के नबी को नमाज पढ़ते देखा, अल्लाह के नबी ऐसे नमाज पढ़ते थे, ऐसे नमाज पढ़ते थे और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह रफादैन शामिल है। तो कोई सहाबी अल्लाह के नबी के ऊपर झूठ नहीं बोलेगा। अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु वो ज़ईफ हदीस है, इमाम अबू दाऊद रहिमुल्ला रफादैन ना करने के बाद भाई वो बाब में अब्दुल्ला इब्ने मसूद वाली भाई वो हदीस लेके आए हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु वाली हदीस को लेके आए हैं, और उसके बाद कहते हैं इस हदीस के नीचे ही कि ये हदीस एक बड़ी तवील हदीस का एक छोटा सा टुकड़ा है जो अपने इन अल्फाजों के साथ महफूज नहीं है। तो अब बताइए आप, जो हदीस एक बड़ी सी हदीस का छोटा सा टुकड़ा है और वो अपने अल्फाजों के साथ महफूज नहीं है, आप उस मतलब ज़ईफ हदीस से आप मेरे भाई रफादैन की मतलब जो सुन्नत है अजीम सुन्नत उसको मंसूख कर दोगे? उमर रजी अल्लाह ताला अनु फरमा रहे हैं कि नमाज में रफादैन करना नमाज की जीनत है, नमाज की खूबसूरती है, और आप नमाज की खूबसूरती को मंसूख करना चाहते हो वो भी ज़ईफ हदीस से? अस्तग़फिरुल्लाह, तौबा तौबा तौबा, कितना मतलब घटिया ईमान है आपका मेरे भाई। एक सवाल आपसे पूछूं, अगर आप जवाब दे दोगे तो अभी हनफी बनने के तैयार हूँ। नहीं आपका हो गया ना। नहीं एक सवाल मैं पूछूं, अगर दम हो तो जवाब दे दीजिए, अगर वाकई आप पढ़े लिखे हो सलाहियतमंद हो। एक सिंपल सा क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे, अहले हदीस अगर रफादैन इसलिए करे कि अल्लाह के नबी ने रफादैन किया तो वो गलत है, वो मनसूख है, लेकिन अहले हदीस अगर इमाम शाफई की भाई तकलीद में रफादैन करे तो वो जायज है, तो ये दोगलापन क्यों? सुनो मेरी बात, नहीं इसका जवाब आप हमको दे दीजिए कि शाफई रफादान करें तो वो सही है, अहले हदीस रफादान करें तो वो गलत है, ऐसा मतलब दोगलापन क्यों? आपने क्वेश्चन किया ना, आप सुनाइए। मतलब ठीक है, हम नहीं बोलते हैं कि रफादान मंसूख है, हम बोलते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं पे भी नहीं कहा है कि मैं रफादान कर रहा हूँ तुम भी करो, मैं नहीं कर रहा हूँ तुम भी मत करो। कहा है ना मेरे भाई, कहा है अल्लाह के नबी ने? कहाँ कहा है भाई? सही बुखारी की हदीस नंबर 604 है, उस तरह नमाज पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो। तो अल्लाह के नबी ने हर नमाज में रफादैन किया और सहाबा ने देख के हर नमाज में रफादैन किया, ये आपने कैसे कह दिया कि अल्लाह के नबी ने कब कहा रफादैन करो कब कहा ना करो? अल्लाह के नबी ने तो पूरी नमाज ही बता दी ना, उस तरह नमाज पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते देखते हो। अरे तो नमाजी में तो रफादैन है, ऐसे तो अल्लाह के नबी ने ये भी नहीं कहा है कि नाप के नीचे हाथ बांधो, आमीन धीमे से बोलो। जो अभी मैंने हमीद कादी से रिवायत पेश की थी उसको किस ज़ईफ कहा है? कौन सी? किस मुहद्दिस ने उस हदीस को ज़ईफ कहा है? कौन सी हदीस को? जो हमीद कादी रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है। अरे हदीस तो बताइए कि मैं आपको रसूल अल्लाह की नमाज पढ़ के दिखाऊं, क्योंकि मैं अच्छा अब्दुल्ला इब्ने मसूद वाली मसूद वाली अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला हूँ, वो कहते हैं क्या मैं तुमको अल्लाह के नबी की नमाज का तरीका ना बताऊं? अल्लाह के नबी जब नमाज पढ़ते तो एक बार रफादैन करते फिर रफादैन ना करते। ये हदीस हाँ ये हदीस इमाम अबू दाऊद रहीमुल्ला अपने अरबी के नुस्खे में
रफा दहन ना करने के बाब, ये एक पूरा बाब है रफा दहन ना करने का बाब, उस बाब उस चैप्टर में इस हदीस को नकल करते हैं और लास्ट में इमाम अबू दाऊद रहिमुल्ला खुद कह देते हैं कि ये हदीस एक बड़ी सी हदीस का एक छोटा सा टुकड़ा है जो अपने इन अल्फाजों के साथ महफूज नहीं है, तो वो खुद कहते हैं ये हदीस ज़ईफ है। और यही सेम हदीस इमाम तिर्मिजी रहिमुल्ला अपनी किताब में लाते हैं और वो इस हदीस को कहते हैं कि ये हदीस हसन है, लेकिन इमाम तिर्मिजी जिस हदीस को हसन कहते हैं उसको हसन मानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इमाम तिर्मिजी रहिमुल्ला जो मुहद्दिसीन है वो अलग टाइप के मुहद्दिसीन है, उनको बाकी मुहद्दिसीन ने कहा है कि जो ये मुहद्दिसीन है वो है मुतासाहिल, यानी कि खाली अगर वो किसी चीज को हसन कह देंगे सही कह देंगे और बाज़ मुहद्दिसीन की जो भाई वो जमात है अगर वो उसको मतलब ज़ईफ कह रही है तो अक्सरियत की बात को ली जाएगी, इमाम तिर्मिजी की बात को नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इमाम तिर्मिजी रहिमुल्ला वो मुतासाहिल मुहद्दिसीन थे। तो ये सब आपको समझना पड़ेगा और इतनी इल्मी बात कोई हनफी आलिम ना जानता है और ना कभी आवाम को बताएगा, और जानता भी है तो मेरे भाई छुपा लेगा क्योंकि उसको अपने मसलक को बचाना है ना, उसको अपने मसलक को मतलब भाई साबित करना है। हकते मैं तो खुला चैलेंज दे रहा हूँ, अल्लाह के नबी की एक नमाज बता दो सही हदीस से जिसमें अल्लाह के नबी ने भाई रफा दहन ना किया हो, तो मैं अल्लाह सुबहानु ताला की कसम खाता हूँ मैं जिंदगी में कभी रफा दहन नहीं करूँगा। एक सही हदीस मुझे पेश कर दो। तो ये सही हदीस नहीं था मुस्लिम शरीफ का? मुस्लिम शरीफ की हदीस सही है बिल्कुल, और उसमें जो रफा दहन मंसूख है वो वाला तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग करते नहीं है, हम लोग दाएं बाएं जब भाई सलाम फेरते हैं तो अपने हाथों से घोड़ों की दुमों की तरह इशारा नहीं करते हैं, घोड़े की दुम ऊपर नीचे भाई हरकत करती है या दाएं बाएं करती है यही आपको नहीं पता? उस कुनू फिस सलात नमाज में है ना, उस कुनू फिस सलात नमाज में सुकून इख्तियार करो। तो आप खुद बोलते हैं मैं क्या होता है नमाज के अंदर वाला है रफा दहन। अरे आप मेरे भाई एक चीज बताओ, आप बचपन से पागल हो या इंजीनियर बनने के बाद पागल हुए हो? पागल तो तुम लगते हो मुझे। नमाज कब खत्म होती है? नमाज जब आप दाएं बाएं जारी सलाम फेर देते हो उसके बाद नमाज के बाहर होते हो ना, या बिना सलाम फेरे नमाज के बाहर हो जाते हो? हद है मेरे भाई। चलिए मेरे भाई ठीक है, रात बहुत हो गई है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, कल बात होगी आगे इसके आगे।